हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ श्री अरविंदो घोष। तो अरविंदो घोष के जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी फैक्ट है, इस वीडियो में हम सभी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि क्या क्या हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें मैं कवर करूँगा जीवन परिचय, उसके बाद देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में उनके विचार, ब्रिटिश सरकार के विषय में उनके विचार, पूंजीवाद की आलोचना, समाजवाद संबंधी उनके विचार, स्वराज संबंधी उनके विचार, फिर देखेंगे राज्य संबंधी विचार, अरविंदो के स्वतंत्रता संबंधी विचार, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत, और सबसे लास्ट जो लास्ट में देखेंगे हम मानवीय एकता का आदर्श। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जीवन परिचय के साथ। दोस्तों, अरविंदो घोष का जन्म बंगाल के एक संपन्न परिवार में 15 अगस्त 1872 को हुआ था। 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दार्जिलिंग में हुई, उसके बाद वे इंग्लैंड चले गए। अरविंदो घोष का जीवन अनेक पड़ावों से होकर गुजरा है, जिसके आधार पर उनके राजनीतिक विचारों को समझा जा सकता है। तो सबसे पहले बड़ौदा नरेश की सेवा में रहना 1893 से लेकर 1905 तक, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादी नेता के रूप में ये सक्रिय रहते हैं 1906 से लेकर 1910 तक, उसके बाद पौंडीचेरी में आध्यात्मवाद का ज्ञान प्राप्त करना जो कि 1911 से लेकर 1952 तक चलता है, 1950-52 इनकी टिल जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये पौंडीचेरी में ही रहे और आध्यात्मवाद का इन्होंने अध्ययन किया। 1893 में, अब देखिए 1893 में इंग्लैंड से वापिस आकर अरविंदो ने बड़ौदा नरेश की सेवा की और गुप्त लेखों का प्रकाशन करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए उग्र विचारक के रूप में इन्होंने कार्य किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचना की और उनके द्वारा अपनाई जाने वाली विनय, पत्र प्रार्थना, ज्ञान आदि विधियों की भी आलोचना की। तो क्लियरली इन्होंने जो कांग्रेस की उस टाइम की पॉलिसीज थी, कांग्रेस की उदारवादी नेताओं की पॉलिसीज जब आप पढ़ोगे तो उसमें क्या है, उसमें प्रार्थना, सभाएं करना, ब्रिटिशर्स से मांगे उठाना, बस वो क्या है, हाथ जोड़कर ही सारे काम करते थे। और आप देखते हैं इन्होंने जो इनका प्रारंभिक दौर है वो उग्रवादी नेता के रूप में है, रेडिकल के रूप में है, जो क्रांति के द्वारा अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने विनय, पत्र प्रार्थना आदि का की घोर आलोचना की है। उन्होंने बड़ौदा नरेश की सेवा में रहते हुए जतिन बैनर्जी के साथ मिलकर क्रांतिकारी संगठन बनाने का प्रयास आरंभ किया और बंगाल की तरफ से राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया। इसके बाद वे आध्यात्मवाद के विकास व उसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता दिलाने के प्रयास करने लगे। उन्होंने पौंडीचेरी में आश्रम की स्थापना की। अब देखिए पौंडीचेरी में जो इन्होंने आश्रम की स्थापना की उसे ऑरविले आश्रम कहा जाता है, जिसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। पौंडीचेरी में इन्होंने क्या है, आश्रम की स्थापना की और वहां से जब इन्होंने पौंडीचेरी में ये आश्रम की स्थापना की, इन्होंने स्वदेशी बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध का स्थान किसने ले लिया, आध्यात्मवाद ने। तो पहले ये क्या बोलते थे, हमें क्या है, निष्क्रिय प्रतिरोध करना पड़ेगा, हमें स्वदेशी आंदोलन को चलाना पड़ेगा, यहाँ स्वदेशी कौमा बहिष्कार होगा, स्वदेशी आंदोलनों को यहाँ पे हमें चलाना पड़ेगा और अंग्रेजों की नीतियों का बहिष्कार हमें करना पड़ेगा। लेकिन जब वो पौंडीचेरी गए तो पूरा का पूरा स्थान किसने ले लिया, आध्यात्मवाद ने। उन्होंने भौतिकवाद को आध्यात्मवाद से मिला दिया। इस तरह विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते हुए अपने विचारों का प्रतिपादन अरविंदो घोष ने किया। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना इन्होंने किन किन आधारों पर की है। उनके चिंतन का जो मुख्य उद्देश्य है, अधिक व्यक्तियों के सुख के बजाय सभी का अधिकतम हित था। यानी जैसे कि बेंथम कहा करते थे कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, तो इसके विपरीत इन्होंने बोला कि मुझे अधिकतम व्यक्तियों के सुख की जरूरत नहीं है, मुझे सभी के हित की जरूरत है, ठीक है। उन्होंने गीता, वेदों, उपनिषदों से ज्ञान प्राप्त करके ऐसी विधियां खोज निकाली जो भारत को स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका निभा सकती थी।
इसलिए उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा को आध्यात्मवाद पर आधारित माना जाता है। उन्होंने पौंडीचेरी में ऑरविले आश्रम की स्थापना करने के बाद अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास लेकर वहां पर आध्यात्मवाद व योग की शक्ति के द्वारा भारत की आजादी के प्रयास जारी रखे। अरविंदो घोष कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कटु आलोचक थे। कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ अपने आलोचनात्मक विचारों को इंदु प्रकाश पत्रिका में न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड नाम से प्रकाशित ये कराया करते थे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आपसे पूछा जाता है कि हु इज रिलेटेड विद न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड। तो न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड इसके अंदर क्या है, आलोचना करते थे। बेसिकली ये इंदु प्रकाश पत्रिका में इनके लेख छपते थे। उनका कहना था कि कांग्रेस के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि उसके उद्देश्य भ्रमपूर्ण है और जो साधन इन्होंने चुने हैं वे दोषपूर्ण हैं। जिन नेताओं पर यह संस्था विश्वास करती है वे व्यक्ति नेता बनने लायक नहीं है। ठीक है, उन्होंने कांग्रेस पर चार आरोप लगाए हैं। पहला आरोप इन्होंने ये लगाया है कि कांग्रेस के जो उद्देश्य है वो दोषपूर्ण है। ये अब देखिए कांग्रेस का उस टाइम उद्देश्य क्या था। कांग्रेस का बेसिकली उद्देश्य उस टाइम माना जाता था कि हमें थोड़ा बहुत शासन के अंदर हिस्सा दे दिया जाए। वो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे थे, इसलिए इन्होंने बोला कि इनके उद्देश्य दोषपूर्ण है। ये उद्देश्य क्या लेके चल रहे हैं कि हमें थोड़ा बहुत शासन के अंदर हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। दूसरी आलोचना इन्होंने की कांग्रेस द्वारा अपनाए गए साध्य और साधन सिद्धांत भी गलत है। तो कांग्रेस के द्वारा साध्य क्या था, साध्य था कि हमें प्रशासन के अंदर थोड़ी बहुत क्या है हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तो वो साध्य इनका गलत था। साधन भी इनके गलत थे। साधन क्या थे, ये या तो सभाएं करते थे या फिर ये लेटर्स लिखते थे जिसे आप विनय पत्र कहते हैं। तो ये सारे साधन क्या इनको गलत लगे, इन्होंने इसे गलत माना। कांग्रेस द्वारा साधारण जनता की भी उपेक्षा उस टाइम की गई थी। कांग्रेस कोई मास मूवमेंट उस टाइम नहीं चला रही थी जैसा कि 1919 के बाद गांधी ने चलाया, तो इसलिए भी इन्होंने कांग्रेस की आलोचना की। कांग्रेसी नेताओं में निष्कपटता की कमी, वे अपनी छोटी छोटी बात मनवाने के लिए भी भिखारी की तरह ब्रिटिश नेताओं के सामने हाथ फैलाए रहते हैं। वे आत्मविश्वास और निडरता की बजाय चमचागिरी करने में लगे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना की है। उसके बाद इन्होंने ब्रिटिश सरकार की भी आलोचना की। अरविंदो घोष ने कांग्रेस की तरह ब्रिटिश सरकार की भी कड़ी आलोचना की है, जिसके चलते रानाडे थे उस टाइम। ठीक है, इन्होंने कांग्रेस की तो आलोचना की, साथ में इन्होंने ब्रिटिश सरकार की भी आलोचना की। और रानाडे ने क्या कहा, रानाडे ने इंदु प्रकाश के मालिक को चेतावनी दी कि यदि न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड के लेखक ने अपनी ब्रिटिश सरकार विरोधी नीति नहीं बदली तो इंदु प्रकाश पत्रिका को तो बंद कर ही दिया जाएगा और लेखक पर राजद्रोह का मुकदमा भी चलाया जाएगा। ठीक है, अब ब्रिटिश सरकार की आलोचना इन्होंने की है अपने न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड में, और इसी के अंदर इन्होंने कांग्रेस की भी आलोचना की है। उसके बाद पूंजीवाद की आलोचना भी इन्होंने अपने इन लेखों के अंदर की है। तो पूंजीवाद की आलोचना में अरविंदो कहते हैं, अरविंदो आधुनिक पूंजीवाद के कटु आलोचक थे। उन्होंने अंग्रेजों के साम्राज्यवादी शोषण की खुलकर निंदा की है। उनका कहना था कि भारतीय श्रमिकों का शोषण ब्रिटिश पूंजीपति करते हैं, इसलिए भारतीय श्रमिकों की स्थिति बिगड़ रही है। ठीक है, समाजवाद संबंधी इनके विचारों को देख लेते हैं कि सोशलिज्म के बारे में ये क्या बोलते हैं। अरविंदो घोष ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वॉर एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, युद्ध ने दो प्रमुख प्रश्नों को जटिल बना दिया है, एक तो पूंजी और श्रम में बढ़ता हुआ संघर्ष और एशियाई मामले। तो इन्होंने दो विषयों के ऊपर ज्यादा इस बुक के अंदर काम किया है, वॉर एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि एक तो पूंजीपति और श्रमिकों के बीच क्या हो रहा है, संघर्ष बढ़ रहा है। जैसा कि कार्ल मार्क्स कहते थे, जितना ज्यादा शोषण होगा उतना ज्यादा संघर्ष बढ़ेगा। और दूसरा इन्होंने एशियाई मामले के ऊपर काम किया है कि एशिया में किस तरीके से ये संघर्ष बढ़ता जा रहा है। यूरोप में समाजवादी विचारधारा लोकप्रिय हो रही है,
यह विचारधारा पश्चिम की तरफ मुड़ने में काफी समय ले सकती है। भले ही ये यूरोप में अभी सफल हो रही है विचारधारा, लेकिन पता नहीं कब तक ये पश्चिम की तरफ मुड़ेगी, और इसमें पश्चिम में आते आते बहुत ज्यादा सुधार भी हो सकते हैं। यह श्रम आंदोलन हर स्थान पर सुधारवादी रूप में समाजवादी बन रहा है। तो श्रम आंदोलन जितने भी दुनिया के हैं, इन्होंने कहा कि हर स्थान पर स्थान के हिसाब से ये क्या है, सुधारवादी रूप में समाजवादी वो बन रहे हैं। वर्तमान यूरोपीय सभ्यता जिसका आधार पूंजीवादी उद्योगवाद है, तो वर्तमान आप देख सकते हैं जितने भी यूरोपियंस कंट्री उस टाइम की थी, उनका जो आधार था, उनका बेसिक आधार था उद्योगवाद। उद्योगवाद यानी फैक्ट्रीज वो लगाते थे, और अपने राक्षसी रूप की चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और ये ध्वस्त हो जाएगी। बिल्कुल कार्ल मार्क्स की तरह ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे पूंजीवाद स्ट्रांग होता जाएगा और अपने अंतिम चरण पे पहुंच जाएगा, तो ऑटोमेटिकली पूंजीवाद का खात्मा हो जाएगा। यही बात यहां पे दोहराई है अरविंदो घोष ने। हमारा भविष्य तो समाजवादी समाज में ही सुरक्षित है, यानी समाजवाद को इन्होंने इतना इम्पोर्टेंट माना है कि हमारा भविष्य तो समाजवादी समाज में ही सुरक्षित है। अरविंदो जी के इन विचारों से उनके समाजवादी दृष्टिकोण का पता चलता है। तो ये थे इनके समाजवाद संबंधी विचार जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं स्वराज संबंधी इनके विचार। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कांग्रेस क्योंकि शासन के अंदर अपनी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी पाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने क्या है स्वराज की बात अभी तक नहीं की थी। तो स्वराज के बारे में अरविंदो का कहना है कि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की बजाय अंग्रेजों की न्यायप्रियता में ही विश्वास रखकर अपूर्ण स्वतंत्रता के मांग की समर्थक है। वह अपना स्वतंत्रता का लक्ष्य भूल चुकी है। वह भारत के लिए अधिराज्य यानी डोमिनियन स्टेट की मांग करती है। घोष ने इसका घोर विरोध करते हुए भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश नीतियां भारत के लिए कभी भी लाभकारी नहीं हो सकती। भारत का फायदा तो स्वयं की सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों में ही हो सकता है, इसलिए स्वराज्य प्राप्ति के लक्ष्य को पूरा करना आवश्यक है। स्वतंत्र भारत ही विश्व का आध्यात्मिक गुरु बन सकता है, इसलिए स्वराज्य हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने स्वराज की व्याख्या करते हुए लिखा, स्वराज का हमारा विचार जो है वो विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता है। यानी स्वराज से मतलब क्या है, विदेशी जो नियंत्रण है, अंग्रेजों ने जो हमारे ऊपर कॉलोनियलिज्म थोपा है, उससे पूर्ण मतलब पूर्ण छुटकारा ही स्वराज्य है। लेकिन आप देखते हैं जैसे जैसे इनके ऊपर केस होते हैं, 1909 में इनके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट का एक केस चला था और इसके अंदर इनका भी नाम आया था, ठीक है, उसके बाद इनका स्वराज से संबंधित जो विचार था वो थोड़ा बहुत नरम पड़ा था, और इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हमें क्या है, भले ही आप हमारे ऊपर शासन कीजिए, लेकिन मतलब सरकार ब्रिटेन की होगी, लेकिन उसमें जो प्रतिनिधि होंगे वो हमारे होंगे। मतलब थोड़ा बहुत नरम ये कॉन्सेप्ट इनका पड़ गया था। स्वराज प्राप्ति के साधन, अब अरविंदो घोष ने स्वराज प्राप्ति के जो साधन बताए हैं उसमें आप देखते हैं ये कांग्रेस से बिल्कुल डिफरेंट है, और कांग्रेस के उदारवादी कार्यक्रमों में इनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, ठीक है। उनका कहना था कि भारतीयों का अपना संविधान नहीं है तो संवैधानिक साधनों की चर्चा करना ही व्यर्थ है। यानी इन्होंने क्या बोला कि भारतीयों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, भारतीयों को सबसे पहले अपना संविधान बनाना पड़ेगा। और इन्होंने स्वराज प्राप्ति के जो लक्ष्य बताए हैं, जो साधन बताए हैं, स्वराज प्राप्ति के दो साधन इन्होंने बताए हैं। पहला साधन बताया है सशस्त्र विद्रोह, जिसे आर्म्ड रिबेलियन कहा जाता है। यानी हमने क्या करना है, हमने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर देना है ताकि वो यहां से भाग जाए, ठीक है। और दूसरा इन्होंने सिद्धांत दिया है, वो दिया है निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत। तो निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत, जैसा कि पहले की वीडियो में जब मैं बाल गंगाधर तिलक को डिस्कस कर रहा था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है। तो उनका विश्वास था कि भारत की स्वतंत्रता सशस्त्र विद्रोह से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन जब वे बड़ौदा रियासत
से बंगाल में गए और वहां पर राष्ट्रवादियों का नेतृत्व किया, तो उन्होंने विद्रोह के स्थान पर निष्क्रिय प्रतिरोध को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उत्तम साधन बताया है। तो अब सक्रिय प्रतिरोध और निष्क्रिय प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट में भी आपको इसका पता होगा। सक्रिय प्रतिरोध होता है जिसमें आप डायरेक्ट कंफ्लिक्ट करते हैं, डायरेक्ट युद्धाप करते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध का जो सिद्धांत है, निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत है कि आप डायरेक्टली तो युद्ध नहीं करोगे, डायरेक्टली तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली अंग्रेजों के खिलाफ आप लड़ोगे नहीं, लेकिन उनकी जो नीतियां है उसको मानोगे ही नहीं। उनकी जो नीतियां भारत सरकार के अंदर चली है, एक तो आप उनको नहीं मानोगे, और दूसरा निष्क्रिय प्रतिरोध क्या होगा कि जो भी सामान कंपनी आपको बेच रही है उस सामान को लेने से ही आप मना कर दोगे, आप उनका सामान ही नहीं लोगे। जब आप ब्रिटिशर्स का सामान नहीं लेंगे और उनकी आज्ञा नहीं मानोगे तो डेफिनेटली वो एक निष्क्रिय प्रतिरोध है, क्योंकि वहां पे आप तलवारों से नहीं लड़ रहे हो, लेकिन उनकी जो बेसिक उनका जो काम है उसको आप उसमें आप दखल दे रहे हो, दैट्स मीन ये हुआ निष्क्रिय प्रतिरोध। आगे इन्होंने इसको अच्छे से डिफाइन भी किया है तो उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि हिंसा का सामना हिंसा से ही करके विरोधी को दबाया जा सकता है। तो पहले देखिए निष्क्रिय प्रतिरोध के अंदर इन्होंने क्या बोला कि निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब ये नहीं है कि आप हथियार उठाओगे नहीं, उठाओगे ही नहीं। अगर आपके ऊपर हिंसा की गई, वैसे तो नहीं आप उठाओगे हथियार, अगर आपके ऊपर हिंसक साधनों का प्रयोग किया जाता है तो आप उसके विरोध के लिए हिंसक साधनों का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अरविंदो घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग 1906 के बाद शुरू किया और इसके तहत उन्होंने ब्रिटिश न्यायालयों का बहिष्कार, अब देखिए इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या है, जो न्यायालय के द्वारा निर्णय दिए जाते हैं आप उसका विरोध करोगे, उसको आप नहीं मानोगे, सरकारी पदों का आप बहिष्कार करोगे, सामाजिक बहिष्कार भी आप करोगे, तो ये सारे के सारे निष्क्रिय प्रतिरोध में इन्होंने शामिल किया। उन्होंने ये भी कहा कि यदि अंग्रेज सरकार निष्क्रिय प्रतिरोध को कुचलने के लिए किसी हिंसक साधन का प्रयोग करती है तो निष्क्रिय प्रतिरोध के समर्थक को भी उसी साधन का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं राज्य संबंधी इनके विचार। अरविंदो घोष का मानना है कि राज्य एक यांत्रिक, यांत्रिक का मतलब होता है एक मशीन, राज्य एक यांत्रिक इकाई है। ये देखने में तो लोगों के हितों का संरक्षण लगता संरक्षक लगता है, लेकिन फिर भी ये साध्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ह्यूमनिज्म की ये बात कर रहे हैं, मानववाद की यहाँ पे बात कर रहे हैं। भले ही राज्य कितनी भी मशीन की तरह लगे, जैसे मशीन होती है ना हमारी सुविधा के लिए, तो जितना मर्जी आपको लगे कि राज्य एक आपके सहायता के लिए बनाया गया यंत्र है, लेकिन वास्तविकता ये है कि राज्य कभी भी साध्य नहीं बन सकता है। यानी राज्य के लिए व्यक्ति को मारा नहीं जा सकता है, क्योंकि व्यक्तिवाद मानववाद सबसे पहले आता है इनके अनुसार। यह लोगों के कल्याण का साधन है, इसलिए इस साधन के द्वारा अल्पसंख्यकों के विचारों को सामूहिक हित के नाम पर बहुसंख्यकों पर थोप दिया जाता है। तो ये आपने समझ लेना है कि इन्होंने बोला कि राज्य क्या है, लोगों के कल्याण का साधन है, लेकिन इसमें किया क्या जाता है। अल्पसंख्यक जो होते हैं, जैसे कि एलीट क्लास होती है, एलीट क्लास क्या करती है, अपने जो विचार होते हैं, अपने जो संस्कृति होती है, उसको क्या है, बहुसंख्यकों के ऊपर थोप दिया जाता है, जो संख्या में तो ज्यादा होते हैं लेकिन पावर जिनके पास कम होती है। राज्य सत्तारूढ़ स्वार्थी लोगों का ही संगठन है, जिसका सामान्य हित से कोई सरोकार नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कितना रेडिकल इनके विचार है और मार्क्सवाद से कितने मिलते जुलते हैं। उन्होंने राज्य के सावयव सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य को जीवित शरीर के समान नहीं माना जा सकता, क्योंकि राज्य का स्वरूप मशीनीकृत है। तो देखिए इन्होंने जो इससे पहले ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट दी गई थी, जैसा कि कौटिल्य ने ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट दी कि राज्य के साथ ऑर्गन होते हैं, राजा अमात्य इस तरीके से जो उन्होंने बोला, तो इन्होंने क्या बोला कि राज्य ऑर्गेनिक नहीं है, ये किसी अंग से नहीं बना है, अंगिक नहीं है, ये क्या है, एक मशीन है। इसलिए इसकी सावयव से तुलना करना बहुत गलत है। उनका कहना है कि राज्य एक सुविधा है और अपेक्षाकृत हमारी सामूहिक
उन्नति की एक बद्दी सुविधा है, इसे कभी भी स्वयं में साध्य नहीं बनना चाहिए। तो आप देख सकते हैं साध्य में बनने का मतलब है राष्ट्रवाद, जैसे बोलते हैं ना कि राष्ट्र के नाम पर समर्पित कर दो, कोई भी राष्ट्र के खिलाफ बोले तो उसको जेलों में डाल दो। तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि राज्य सबसे ऊपर नहीं हो सकता है, सबसे ऊपर है व्यक्ति। अगर व्यक्तियों के हित राष्ट्र के हित में आते हैं, अगर व्यक्तियों के हित राष्ट्र के हित में आते हैं तो उसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते हो। ठीक है, इस व्यवस्था में सर्वाधिक महत्व सत्य, अब देखिए इस व्यवस्था में सर्वाधिक महत्व सत्य, आत्मा और ईश्वर को दिया जाना चाहिए। यानी राज्य के संबंध में सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया जाना चाहिए? राज्य को नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि सत्य, आत्मा और ईश्वर को इसमें सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। व्यक्ति को राज्य से पृथक ऐसा अस्तित्व प्रदान करना चाहिए ताकि वह राज्य द्वारा दी गई सुविधाओं से अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सके। उन्होंने राज्य का उद्देश्य भी सभी व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण यानी ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ऑल बताया है, लेकिन इसमें भी उन्होंने बेंथम के उपयोगितावाद सिद्धांत की आलोचना की है। हालांकि बेंथम भी इससे बोलते थे कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए, लेकिन बेंथम ने क्या इसमें नैतिकता की उपेक्षा कर दी थी, इसलिए बेंथम की भी इन्होंने यहां पे आलोचना की। हालांकि सिद्धांत वही अपनाया है, लेकिन नैतिकता के कारण उन्होंने बेंथम की आलोचना की है। अब देखते हैं अरविंदो के स्वतंत्रता संबंधी विचार। उनके स्वतंत्रता संबंधी विचारों में आध्यात्मिकता का स्पष्ट रूप दिखाई देता है। अब देखिए स्वतंत्रता जितनी भी है वो आध्यात्मिक आधार पर है। उन्होंने स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता अपने जीवन के नियमों का पालन करना है। तो स्वतंत्रता क्या है? अपने जीवन के नियमों का पालन करना है, अपनी स्वाभाविक आत्मपूर्णता के लिए आगे बढ़ना तथा प्राकृतिक एवं स्वतंत्र रूप से वातावरण के साथ एक रूपता की खोज करना ही स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता को इन्होंने बेसिकली क्या माना है? इंटरनल, आपका जो स्वभाव है आपको उसके अनुरूप काम कार्य कर देना। आत्मा की संतुष्टि के लिए अगर आप प्रे करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, तो वो उसमें आपको छूट होनी चाहिए। आत्मा से रिलेटेड ही इन्होंने, आध्यात्म से रिलेटेड ही स्वतंत्रता को इन्होंने देखा है। इस प्रकार अरविंदो ने मानवीय स्वतंत्रता को मानव द्वारा अपने अस्तित्व के लिए स्वीकृत कानूनों का पालन माना है। उन्होंने मानवीय स्वतंत्रता के दो प्रकार बताए हैं। इन्होंने मानवीय स्वतंत्रता की दो टाइप बताए कि दो टाइप की स्वतंत्रता होती है, एक होती है इंटरनल और दूसरी होती है एक्सटर्नल। तो इंटरनल यानी आंतरिक स्वतंत्रता से उनका तात्पर्य मानव की आवाज के अनुसार, मानव की आवाज मतलब अंतः मन की जो हमारी आवाज होती है उसके अनुसार स्वतंत्र रूप से अपने स्वाभाविक गुणों को विकसित करना। और बाह्य स्वतंत्रता का मतलब होता है कि बाह्य वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या है, आत्मा की स्वतंत्रता दी गई है राज्य के द्वारा, और आप एकांत में बैठे हैं और आप योग कर रहे हैं, तो आपको क्या है बाह्य स्वतंत्रता की भी जरूरत पड़ेगी कि बाहर से लोग आकर कहीं वहां पे धमा चौकड़ी ऐसी ना मचाए कि आपका योग ही खत्म हो जाए, ठीक है, आपका ध्यान ही ना लगे। तो इस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्वतंत्रताओं को इन्होंने जरूरी माना है। और इन्होंने ये कहा है कि आंतरिक स्वतंत्रता की अनुभूति किए बिना बाहरी स्वतंत्रता निरर्थक है। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत, और यहां से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। पौंडीचेरी में प्रस्थान करने के बाद वे पूरी तरह से आध्यात्मिक व्यक्ति बन गए थे। अरविंदो ने राष्ट्रवाद को प्राचीन संस्कृति और परंपरा के अनुरूप ढालकर देखा, यानी जो इन्होंने वेदों, पुराणों और गीता को जब पढ़ा और उसके आधार पर ही इन्होंने अपने राष्ट्रवाद का सिद्धांत क्या है विकसित करने की कोशिश की। उनके लिए राष्ट्र केवल एक भौगोलिक सत्ता या प्राकृतिक भूखंड नहीं था, बल्कि एक माँ के समान था। उन्होंने राष्ट्र को एक जीवित प्राणी के रूप में देखा, उसे आध्यात्मिक दृष्टि कोण पर इन्होंने खड़ा किया। वे कहते थे माँ बेड़ियों में है,
तथा इसे मुक्त कराने के लिए भारत माँ के सपूतों को हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आप देखते हैं, जैसे भारत माता का नारा दिया जाता है, तो भारत माता का जो नारा है, भारत को माँ माना था अरविंदो घोष ने। ये कई बार एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन कि भारत को माँ के रूप में किसने देखा। ठीक है, उन्होंने राष्ट्रवाद को एक धर्म बताया जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और जिसके लिए हमें जीवित रहना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद को दबाया नहीं जा सकता, यह तो देवीय इच्छा का परिणाम है और उसी की शक्ति से ये आगे बढ़ता है। अंग्रेज जितनी मर्जी कोशिश कर ले, राष्ट्रवाद को नहीं वो दबा सकते। ठीक है, उनका ध्येय भारत को विश्व का आध्यात्मिक गुरु बनाने का था। ठीक है, विश्व का आध्यात्मिक गुरु वह भारत को बनाना चाहते थे। उनका राष्ट्रवाद हिंदू राष्ट्रवाद नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, उनका जो राष्ट्रवाद था वो हिंदू राष्ट्रवाद नहीं था। उनकी राष्ट्रभक्ति मानव प्रेम विश्व बंधुत्व पर आधारित थी। जैसे कि विवेकानंद ने डिफाइन किया था कि हिंदू धर्म का मतलब हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का मतलब क्या है? सभी धर्मों की जननी है, क्योंकि सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करती है। ठीक है, उनका राष्ट्रवाद एक देवीय पुकार है। राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, यह सर्वव्यापक और सार्वभौमिक है। देश काल की सीमाएं इसे बांधकर नहीं रख सकती है। यानी जो आपका नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म क्या है? देश की सीमाओं से बाहर भी हो सकता है। जैसे आपने यूरोपियन नेशनलिज्म देखा होगा, ठीक है, इंडिया का नेशनलिज्म, जैसे ये इंडिया की भुजाओं, जैसे कि इंडिया की जो बाउंड्रीज है उसमें सीमित नहीं रह सकता है, क्योंकि इंडियन अमेरिका में भी तो है, वहां पे भी तो उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना है कि हम भारतीय हैं जो फॉरेन में जॉब कर रहे हैं। तो इसको क्या है, मतलब सीमाओं में नहीं इसको कैद किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा कहना था अरविंदो घोष का। अरविंदो का राष्ट्रवाद प्राचीनता व आधुनिकता का मिश्रण है। यानी प्राचीन जो वेदों से इन्होंने कॉन्सेप्ट लिए, उसके साथ इन्होंने मॉडर्न थॉट भी इसके अंदर इंक्लूड किए, और प्राचीन काल में जो वेदों के अंदर या फिर पुराणों के अंदर जो कमियां थी उसको इन्होंने राष्ट्रवाद से अलग कर दिया। अरविंदो के राष्ट्रवाद का लक्ष्य जो माना जाता है वो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य माना जाता है। मानवीय एकता का आदर्श, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। मानवीय एकता का आदर्श अरविंदो का ऐसा विचार है जिसके कारण उन्हें आध्यात्मिकता का पैगंबर कहा जाता है। तो क्वेश्चन आया था स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, हु इज रिलेटेड विद स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, तो ये थे अरविंदो घोष। ठीक है, उन्होंने मानवीय एकता को स्थापित करने के लिए लोगों को आदर्शवादी होने पर जोर दिया। ठीक है, मानवीय एकता कैसे स्थापित होगी? उन्हें क्या है, आदर्शवादी बनना पड़ेगा, उनको आदर्शों को अपनाना पड़ेगा। आदर्श का मतलब क्या है? जैसे एक आदर्श होता है कि हमें सच बोलना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें दूसरों से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, तो ये क्या आदर्श है? यानी आदर्शवादी लोगों को बनना पड़ेगा। जब आदर्शवादी होगा तभी मानवीय एकता स्थापित हो सकेगी। उन्होंने 1947 में मानव एकता का आदर्श नामक पुस्तक की रचना की है। तो मानव एकता का आदर्श, तो ये सीधी सी इनकी एक बुक है जिसके अंदर इन्होंने अपने ये कॉन्सेप्ट दिए हैं। उन्होंने बताया कि संपूर्ण मानव जाति एक विश्व संघ के रूप में एक झंडे के नीचे आ जाएगी। ऐसा विभिन्न कारणों से होगा। अब एक जो मानव जाति है एक झंडे के नीचे क्यों आएगी? पहला कारण है प्राकृतिक कारणों से, दूसरा निरंतर परिवर्तनशील परिस्थितियों के दबाव से, तीसरा कारण इन्होंने बताया मानव मात्र की वर्तमान और भविष्य की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी मानव जाति एक ही झंडे के नीचे आ जाएगी। मानव एकता का आदर्श प्राकृतिक विकास क्रम की योजना का एक भाग है। मानव एकता के आदर्श की प्राप्ति अरविंदो के राष्ट्रवाद का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि मानव एकता का आदर्श स्थापित करना है तो हमें संकीर्ण राष्ट्रवाद की सीमाएं तोड़नी होगी, क्योंकि विश्व संघ का निर्माण राष्ट्रीय आत्मनिर्माण के निर्णय के सिद्धांत के अनुसार होगा, लेकिन इसमें मनुष्य को स्थान, जाति, संस्कृति तथा आर्थिक सुविधा के अनुसार अपने समूह बनाने का अधिकार होगा। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला, जो मानवीय एकता का जो आदर्श है
उसमें संकीर्ण राष्ट्रवाद के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। संकीर्ण राष्ट्रवाद मतलब जो बोलते हैं कि हिंदू हिंदू या फिर मुस्लिम मुस्लिम या फिर सिख सिख, इसमें क्या है, सभी धर्मों को समाहित किया जाएगा। संकीर्ण राष्ट्रवाद के लिए इसमें जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आगे ये कहते हैं हाँ, परंतु ये संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर संपूर्ण मानव जाति के उत्थान के लिए कार्य करेगी। इस प्रकार अरविंदो ने मानव एकता के आदर्श को स्थापित करके मार्ग में आने वाली बाधाओं, संकीर्ण स्वार्थ, संकीर्ण राष्ट्रवाद आदि की तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित किया था। हिंसा के संबंध में इनके विचार, हिंसा के संबंध में इनके विचार, गांधी जी के साथ बहुत बड़ा टकराव इनके विचारों का माना जाता है, क्योंकि गांधी जी अहिंसा को सर्वोपरि मानते थे, लेकिन ये हिंसा को भी उचित मानते थे अरविंदो घोष। ठीक है, अरविंदो अहिंसा और हिंसा दोनों के समर्थक थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के सशस्त्र क्रांति पर जोर देकर हिंसावादी होने का परिचय दिया है, लेकिन राजनीति से संन्यास लेने के बाद पौंडीचेरी में जब इन्होंने प्रवास किया, जब ये पौंडीचेरी की और चले गए और वहां पे इन्होंने आध्यात्मिकवाद का रास्ता अपनाया, तो इन्होंने वहां पे भी हिंसा को पूरी तरीके से नहीं त्यागा। ठीक है, उनका कहना था कि राष्ट्र की रक्षा के लिए हिंसा की आवश्यकता पड़े तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए, यदि राष्ट्र की रक्षा के लिए जरूरी है तो हम हिंसा का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने आवश्यकता अनुसार सशस्त्र क्रांति और हिंसा का भी समर्थन किया है। यदि अहिंसात्मक साधनों से राष्ट्रवाद का पोषण होता है तो हिंसा का प्रयोग वर्जित है। इनका कहने का मतलब है, अगर शांतिपूर्वक तरीके से आपके राष्ट्र के हित पूरे हो रहे हो, अगर फिर आप हिंसा करते हो तो वो गलत है। ठीक है, उन्होंने हिंसा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। तो गीता नामक जो रहस्य पुस्तक है, अब गीता को जब आप देखते हैं तो श्री कृष्ण कैसे अर्जुन को समझाते हैं कि अगर अपने लोग अत्याचारी हो जाए तो उनके खिलाफ युद्ध करने में कोई बुराई नहीं है, तो इसी तरीके से इन्होंने गीता रहस्य में लिखा कि अगर राष्ट्रवाद के लिए जरूरी है तो हम हिंसा का प्रयोग भी कर सकते हैं। कानून के सिद्धांत के संबंध इनके विचार, अरविंदो घोष का मानना था कि कानून लोक इच्छा की अभिव्यक्ति है, यानी पब्लिक जो चाहती है उसकी इच्छा व्यक्त जिसके द्वारा की जाती है वो होता है कानून। अच्छे कानून अच्छी राजनीतिक व्यवस्था के द्योतक है, यानी अच्छे कानून का मतलब ये है कि अच्छे कानून के द्वारा क्या होगा, आपकी अच्छी व्यवस्था स्थापित होगी। कानूनों का पालन होना चाहिए, कानूनों का पालन ही सामाजिक जीवन व राजनीतिक संगठन की नींव है, लेकिन कानून का पालन भय दंड शक्ति के आधार पर नहीं होना चाहिए। कानून जनता द्वारा स्वयं बनाए जाने चाहिए। जो कानून जनता पर थोपे जाते हैं उनके पीछे नैतिक बल का अभाव होता है और जनता द्वारा वे अधिक देर तक मान्य नहीं होते, क्योंकि इनके पीछे पार्श्विक बल होता है, पशु बल काम कर रहा होता है। अब देखते हैं सामाजिक सुधारों के संबंध में इनके विचार। अरविंदो सामाजिक सुधारों के बारे में अधिक व्याकुल नहीं थे, ये ज़्यादा सामाजिक सुधार नहीं करना चाहते थे। जैसा कि आपने देखा एमएन रॉय, भगत सिंह, अंबेडकर, ये क्या है, ये बोलते थे कि पहले क्या है, सामाजिक सुधार होने चाहिए, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तो हमें बाद में भी मिल जाएगी। ठीक है, पहले क्या है, सोसाइटी के अंदर सामाजिक सुधार होने चाहिए, दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, पिछड़े वर्गों के साथ, जनजातियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों को पहले खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत अरविंदो घोष बोलते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करनी होगी। जब हमें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी उसके बाद सामाजिक सुधार धीरे धीरे होते जाएंगे। ठीक है, अरविंदो घोष ने राजनीतिक चिंतन के कुछ विषयों जैसे राष्ट्रवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा मानव की एकता को आध्यात्मिक आधार प्रदान किया। उन्होंने राष्ट्रवाद को देवीय आधार पर प्रतिपादित किया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंकी। उन्होंने मानव एकता के आदर्श द्वारा विश्व बंधुत्व की बात की। वह आधुनिक समय में व्याप्त अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान संघर्षों के समाधान का उचित उपाय है।
तो इस तरीके से ये देखा आपने टोटल कॉन्सेप्ट्स जो दिए हैं अरविंदो घोष ने। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं, वो वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज के अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 100% कंप्लीट है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।